हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली मेरे हर एक वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर मैं जो मेरी ऑडियंस है उनसे मैं सीधा ओपिनियन जानना चाहूँगा कि भाई उनको इस साल ईद में कौन सी मूवी देखना है और वो किस पर्टिकुलर मूवी के लिए एक्साइटेड है। लेकिन ये वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि उसके बाद आप लोग दिमाग लगा के बताना कि भाई हम इस पर्टिकुलर मूवी को देखेंगे। तो सबसे पहले दो बॉलीवुड की मूवी जो कि हमें May 13 में देखने को मिल जाएगी, सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड। भाई इसमें सलमान खान है और सलमान खान ही काफ़ी है, ये नाम देखकर ही ऑडियंस थिएटर्स में आ जाती है। सत्यमेव जयते 2 में हमें जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे, जो आज की तारीख में ऐसी मूवीज़ बना रहे जिसका 80 से 90 करोड़ का कलेक्शन हो जाता है और ये एक चीज़ समझ लिए कि भाई अब देशभक्ति पर मूवीज़ बनाओ और यही ऑडियंस पसंद करती है। पता है ना, देशभक्ति के नाम पर हर एक चीज़ ईजिली बिक जाती है आज की तारीख में। और तीसरी मूवी ये मलयालम इंडस्ट्री की है जिसका नाम है मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी। ये एक पैन इंडिया मूवी है और साथ साथ इसमें आपको मल्टीपल स्टार कास्ट देखने को मिलेगी, मोहनलाल सर, सुनील शेट्टी, अर्जुन सरजा, कीर्ति सूर्य। और ये हिस्टोरिकल वॉर मूवी है, बट एज एन ऑडियंस आप लोग किस पर्टिकुलर मूवी के लिए एक्साइटेड हो और क्यों एक्साइटेड हो? और अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो देखियो भाई, चाहे खान हो या अब्राहम हो या मोहनलाल सर हो या शेट्टी हो, मूवी वही चलती है जिसके कंटेंट में दम हो। ऑडियंस इन एक्टर्स का चेहरा देखकर थिएटर में आती ज़रूर है, बट आज की तारीख में वही पिक्चर थिएटर में लगी रहती है जिनके कंटेंट में दम होता है। तो अगर सलमान खान फिर से वही सोचेंगे कि भाई मेरी हर एक पिक्चर एक जैसी बनाओ, उसमें बस थोड़ा बहुत 19-20 करके ऑडियंस को चिपका दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सलमान खान को ये बात ऑडियंस ने पहले भी बता दी कि अगर हमको अगर CP बनाओगे तो हम लोग भी तुम्हारी मूवी को उतना नहीं चलाएंगे जितना हम लोग चलाते थे। और अगर जॉन अब्राहम की बात करूँ तो भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई वो भी देशभक्ति की मूवीज़ बना बना के ऑडियंस का बहुत बड़ा काट रहे हैं। लेकिन सत्यमेव जयते 1 अच्छी मूवी थी, एक एंटरटेनिंग मूवी थी जो देखकर मज़ा आ गया था। बट अगर सत्यमेव जयते 2 से वो ऑडियंस को CP बनाना चाहेंगे कि भाई वही पुराना वाला माल चिपकाएंगे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके, तो इसको भी बहुत बड़े वाले जूते पड़ेंगे। और अगर मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी दूसरी थग्स ऑफ हिंदुस्तान निकलती है तो फिर ऑब्वियसली इसका भी हाल वही होगा कि ऑडियंस जाएगी तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो ऑडियंस बोलेगी वो तो आप लोगों को पता है आजकल की ऑडियंस किस तरह की हो गई है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है कि भाई मैं ये तीनों मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं उसी मूवी की तारीफ करूँगा जिसके कंटेंट में दम होगा। अब आप लोग बताओ कि आप मूवी सिर्फ एक्टर्स को देखकर जाते हो या मूवी के कंटेंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? ये वीडियो थोड़ा अलग बनाने की कोशिश किया हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।